मथा टेक लो संगत जी, बहुत ही ब्लेस सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही हाई वाइब्रेशन है पूरे सत्संग में और आपको मिलने वाली है गुरु जी की अपार कृपा। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आप सब भी बोलिए मिलकर जय गुरु जी। संगत जी अंकल जी का एक बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अमृत वेला का सत्संग है और आप सब ध्यान से सुनिए। गुरु जी जितने भी कष्ट हैं सब दूर कर देंगे, संकट हैं दूर कर देंगे, घर में देंगे अपार खुशियाँ और लाएंगे बरकत, सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा, कभी जीवन में निराशा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। गुरु जी के सत्संग में होती है अपार अपार ब्लेसिंग, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग, बहुत ही ब्लेस सत्संग है और पुरानी संगत का है, इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा संगत जी और गुरु जी करेंगे कल्याण। और सत्संग को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में मंत्र जप लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, शुक्राना जरूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप शुक्राना करते हैं गुरु जी आपकी अरदासें उतनी जल्दी पूरी करते हैं संगत जी, बिल्कुल 100% विश्वास रख के तब सत्संग को आप सुनिएगा। अंकल जी लिखते हैं, अंकल अपने सत्संग में बताते हैं कि जब वे गुरु जी के दर्शन के बाद लौटे तो वे ऊर्जावान हो गए थे। कुछ समय बाद गुरु जी जलंधर चले गए। अंकल बस से 3 बजे जलंधर पहुंचे। मंदिर का द्वार बंद था और अंकल ने बस हाथ अंदर डाला तो यह एक मशीन की तरह खुल गया। फिर भी अंकल को इसकी सनसनी महसूस हुई, वहां कोई नहीं था। जब शाम को दरवाजा खुला तो गुरु जी ने कहा, डॉक्टर ने आपको अंदर बुला लिया। अंकल जलंधर मंदिर जाने लगे तो गुरु जी ने हमेशा उनकी वापसी का प्रबंध संगत में से किसी ना किसी के साथ कर ही दिया। एक बार अंकल ने किसी होटल में रुकने और 2-3 दिन गुरु जी के दर्शन करने का फैसला किया। जब अंकल ने प्रणाम किया तो वहाँ खड़े एक अन्य परिवार ने कहा कि आपको हमारे साथ ही रहना होगा, इसके लिए उनके घर पर रहे। और रात परिवार ने गुरु जी की बहुत सारी बातें की, यानी कि खूब 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 सत्संग हुए। गुरु जी उन्हें अमेरिका वालों कहकर संबोधित करते थे। अब पूरा परिवार अमेरिका में है, वे मंदिर में गुरु जी की सेवा भी कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी की खुशबू के बारे में बताया जो घर और कार्यालय से आती थी, गुरु जी की उपस्थिति दिखाती थी। उनके पास गुरु जी का चोला और जूते थे जो उन्हें कुछ साल पहले ही दिए गए थे, उनमें अभी भी बहुत खुशबू थी। अंकल को स्वर्ण मंदिर में निशान साहिब पर मत्था टेकते समय भी गुरु जी की खुशबू आई थी। अंकल ने बद्दी कॉलेज के मालिक का सत्संग सुनाया। गुरु जी कृपा से वहाँ पढ़ाने के अलावा अंकल शाम को अपना क्लिनिक भी देखते थे। कॉलेज के मालिक बाऊजी की पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थी और अंकल ने बाऊजी को उनके लिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने का सुझाव दिया। दोनों जलंधर मंदिर गए। जब अंकल ने माथा टेका तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारे मालिक ने कड़ी मेहनत से कमाया है। जब पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में बताया गया तो गुरुजी ने उनकी फ़ोटो देखी और फोटो देख कर ही कल्याण कर दिया। अंकल कहते हैं कि वे आज तक स्वस्थ हैं, छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर। बाऊजी के मन में गुरुजी के प्रति प्रेम विकसित हो गया और उन्होंने कॉलेज को भी ब्लेस कराने के लिए गुरुजी को बुलाने का सुझाव दिया। दोनों कॉलेज के एक नए ब्लॉक के उद्घाटन के लिए गुरुजी से संपर्क करते हैं। गुरुजी 11 अप्रैल के लिए सहमत हो गए लेकिन कहा कि सादा लंगर, रोटी दाल सब्जी और बड़े लड्डू बनाने की व्यवस्था करें जिसे गुरुजी वितरित करेंगे, साथ ही कार्ड प्रिंट करके सभी को देने के लिए कहा। गुरुजी ने इसमें गुरुजी महाराज भी लिखने का अनुमोदित किया। एक सेवानिवृत्त IAS आंटी ने अंकल से कहा कि हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करें कि वे हमारा हाथ पकड़ें, क्योंकि हम किसी कठिनाई के समय हाथ छोड़ सकते हैं, जबकि अगर गुरुजी हाथ पकड़ते हैं तो यह जीवन भर के लिए होगा। अंकल ने कहा कि गुरुजी ने अच्छे कर्म करने की शक्ति दी है। गुरुजी ने डॉक्टर अंकल को गरीब मरीजों के प्रति दयालु होने की सलाह दी। एक बार अंकल ने देखा कि एक गाय सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, उसकी आंखें झपक रही थी और बहुत से लोग वहां खड़े थे और मदद नहीं
कर रहे थे, कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। अंकल ने भी देखा और चले गए। उसी दिन उन्होंने गुरु जी का सपना देखा, केवल आंखें दिखाई दे रही थी। बस इतना कहा कि अच्छा नहीं किया। अगले दिन अंकल फिर उसी स्थान पर गए और देखा गाय अभी भी वहाँ थी, आसपास कोई नहीं था। अंकल वहीं खड़े रहे, अन्य लोग भी वहाँ आ गए। अब अंकल ने ट्रक की व्यवस्था की और दूसरों की मदद से गाय को ट्रक में डाला और गौशाला में भेज दिया। अंकल ने बताया कि एक दिन वे एक IAS अधिकारी को गुरुजी के पास ले गए, लेकिन अगली बार उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। गुरुजी ने अंकल से कहा कि उनसे पूछने की अंकल से कहा कि उनसे पूछना कि वे अपने साथ क्या ले जाएंगे। गुरुजी ने कुछ ही शब्दों में बड़ा संदेश दे दिया। अंकल ने अपने दुर्घटना ग्रस्त होने के सत्संग का वर्णन किया। एक दिन अंकल मंगेतर से मिलने के लिए चोरी से गुड़गांव आए। उसी दिन लौटते समय कार चलाते समय अंकल को नींद आ गई। जब उनकी आँख खुली तो देखा कि वे लेटे हुए हैं और कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। उन्हें संदेह हुआ कि किसी बस ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी और भाग गए। कार की हालत देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि चालक बच गया होगा। उन्होंने अपने दोस्त को फोन किया जो आया और अंकल की मदद की। बाद में जब वे शुक्राना के लिए गुरुजी के पास गए तो अंकल के बोलने से पहले ही गुरुजी ने कहा, उस दिन तुम्हारी जान बचाई, बिन बोलिया सबकी जानदा अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकल ने बताया कि एक बार गुरुजी ने अंकल को फोन किया और किसी समारोह के लिए डुगरी आने के लिए कहा। कॉलेज से सभी को और संगत को भी लाने के लिए कहा। वहाँ सब कुछ बहुत सुंदर था और उनकी आंटी ने खूब नृत्य किया। जब आंटी ने आज्ञा के लिए सिर झुकाया तो गुरुजी ने दूसरी आंटी से कहा कि उसे लड़का होगा। शादी को कुछ ही दिन हुए थे। गुरुजी के आशीर्वाद से दिसंबर 2006 में अंकल को एक बेटा हुआ। छोटे मंदिर में गुरुजी के पास जाते समय अंकल ने मन ही मन प्रार्थना की कि गुरुजी बेटे का नाम अर्जुन रखें। अंकल का पसंदीदा सितारा तेंदुलकर का पुत्र। प्रणाम करने के बाद गुरुजी से नाम रखने का निवेदन किया। बार बार अनुरोध करने पर गुरुजी ने अर्जुन नाम सुझाया। अंकल आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। केवल भगवान ही ऐसा कर सकते हैं। फरवरी में अगली शिवरात्रि पर गुरुजी ने फिर से आंटी को दूसरा बेटा देकर ब्लेस किया। अंकल ने आंटी से कहा कि हमने गुरुजी से कभी नहीं मांगा, फिर भी गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। गुरुजी कहते हैं कि मैं लड़का होने की ब्लेसिंग देता रहता हूँ, बेटियाँ केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती हैं। आंटी प्रणाम करते समय गुरुजी से बेटी के लिए पूछना चाहती थी, लेकिन उनके बोलने से पहले ही गुरुजी ने कहा कि पिछली बार भी बेटा था, अब भी बेटा होगा, अनंत शुक्राना गुरुजी। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा तो अंकल दिल्ली पहुँचे और बहुत रोए। अंकल कहते हैं कि गुरुजी उनके पिता हैं और अभी भी हमारे साथ हैं। दिसंबर में गुरुजी चंडीगढ़ के पास आए थे। अंकल, बाऊजी, कॉलेज मालिक और अन्य छात्रों के साथ वहां गए। बाऊजी ने गुरुजी से बद्दी आने का अनुरोध किया। गुरुजी ने अंकल की ओर देखकर कहा कि इसके बेटे की पार्टी में ब्लेसिंग्स देने आऊँगा। 6 महीने बाद गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया। 4 दिसंबर को बेटे का जन्मदिन था। छोटी सी पार्टी का आयोजन किया गया। मंच पर गुरुजी का स्वरूप और फूल रखे गए। बाद में अंकल को फूलों में एक कंगन नजर दिखाई दिया। गुरुजी ने दिखाया कि वे यहाँ आए थे। एक संगत आंटी ने अगले दिन अंकल से कहा कि गुरुजी को आपके घर पर लाल चोले में देखा था, पार्टी में नहीं आए थे। पार्टी में आए एक अन्य अंकल ने भी कहा कि उन्होंने स्वप्न में गुरुजी को पार्टी में लाल चोले में देखा था। तो जो गुरुजी ने वादा किया था, गुरुजी अभी भी हमारे आसपास हैं, उनसे बातें करो, गुरुजी को महसूस करो, गुरुजी से प्यार करो। हमारे गुरुजी व्यवहारिक हैं, उनका अनुसरण करें, एक अच्छे इंसान बने। जब हम गरीबों की मदद करते हैं तो गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरुजी को सफाई, अनुशासन, लंगर के लिए सभी का एक साथ बैठना पसंद था। अंकल और कॉलेज के एक अन्य अंकल ने साईं बाबा को गुरुजी का स्वरूप बनाया और अनुमोदन के लिए गुरुजी के पास ले गए। इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, गुरुजी देखकर बहुत खुश हुए और कैमरा उठा लिया। एक दिन उन दोनों अंकलों ने अपने आवंटित कमरों में से एक गुरुजी के लिए बदलने का फैसला किया।
लाल कालीन बिछाया गया और लाल पर्दे लगाए गए। अंकल के पास गुरुजी का एक छोटा स्वरूप था जिसे उन्होंने सबसे अच्छे स्टूडियो से बड़ा कराने का निर्णय लिया। कीमत काफ़ी अधिक मांगी गई और मोल भाव करने से भी इनकार कर दिया गया। दी गई तारीख पर अंकल उनके घर गए। उन्होंने अंकल को स्वरूप दे दिया लेकिन कुछ भी पैसा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे इस स्वरूप को कल घर ले आए थे और आगे कुछ नहीं बताया। अब एक सहकर्मी ने उनसे कहा कि पहले गुरुजी की अनुमति ले लो। दोनों अंकल छोटे मंदिर गए। जब उन्होंने कॉलेज में मंदिर के बारे में बताया तो गुरुजी बहुत खुश हुए और स्वरूप पर लिखा, जीवन भर के लिए बद्दी कॉलेज को ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने खुशी से वहाँ मौजूद संगत को बताया कि ये दोनों बद्दी कॉलेज से हैं और वहाँ मेरा मंदिर बना रहे हैं। हमेशा ब्लेसिंग्स गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन अंकल को क्लिनिक में आग लगने की सूचना मिली। जब वहाँ पहुँचे तो पाया कि सब कुछ जल गया था लेकिन आग गुरुजी के मंदिर पर रुक गई। एसी, रेफ्रिजरेटर, एक सोफा सब जल गया और ऑफिस भी काला पड़ गया। गुरुजी के मंदिर और स्वरूप को कोई नुकसान नहीं हुआ। जले हुए एसी से 2 इंच नीचे गुरुजी के 12 स्वरूप वाली एक घड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्लिनिक को 8-10 दिनों में पुनर्निर्मित किया गया और कोई भी यह नहीं कह सकता था कि यह पूरी तरह से जल गया था। यह गुरुजी की शक्ति है, कृपा है, ब्लेसिंग्स है। अंकल कहते हैं कि गुरुजी कहते थे कि आते रहो और अगर हम एक साथ बैठेंगे और सत्संग करेंगे तो अधिक वाइब्स मिलेंगी। गुरुजी को अहंकार पसंद नहीं था। दरबार में एक फिल्म स्टार ने चाय प्रसाद लेने से इनकार कर दिया। गुरुजी ने उसे वहाँ लाने वाले व्यक्ति को बाहर निकल जाने के लिए कहा। कुछ दिनों में अंकल ने उस व्यक्ति को बड़े मंदिर में कतार में खड़ा देखा। गुरुजी चाहते थे कि कोई वहम ना करें। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बिन भागा सत्संग ना लभे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने सत्संग को पूरा सुना। संगत जी, गुरुजी आपका सभी का खूब खूब कल्याण करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।